समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा मैरिज एक्ट में बदलाव करना संसद का काम। दो तक चंद्रमा में इंसान भेजेगा देश, 2035 तक अपना स्टेशन भी बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान की तैयारी की ली जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा, अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, पुरानी पेंशन बहाल, भत्ता देने की गारंटी, 27% पिछड़ों को मिलेगा आरक्षण। विश्व कप में 3 दिन में हुए कई उलटफेर, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 48 रनों से हराया, विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हरा चुका है अफगानिस्तान। महाराष्ट्र में विधायकों की योग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वे को दी चेतावनी, कहा स्पीकर फैसले की वास्तविक समय सीमा तय करे। ईरान, इसराइल और उसका समर्थन करने वाले देशों को दी चेतावनी, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि गाजा में बमबारी बंद नहीं हुई तो दुनिया मुस्लिम फोर्सेज को नहीं रोक पाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इसराइल दौरे पर जाएंगे, कई बड़े राजनीतिज्ञों सैन्य अधिकारियों से भी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा है महत्वपूर्ण। प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में नसीमुद्दीन समेत 4 को दोष मुक्त करने की याचिका खारिज। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन, पुलिस और सुरक्षा बलों ने बिना इजाजत धरने के कारण की कार्रवाई। अपना दल कमीरावादी के तत्वाधान में हजरतगंज की अंबेडकर प्रतिमा पर किया गया प्रदर्शन, अपना दल के संस्थापक सोने लाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश में आतंकी संगठन चला रहे थे आतंकी बनाने की पाठशाला, स्लीपर सेल के रूप में लोगों को धर्म और गजवाए हिंद के नाम पर दे रहे थे कट्टरपंथ की तालीम। प्रदेश में गहराया डेंगू का संकट, 24 घंटे में 574 डेंगू के केस किए गए रिपोर्ट, कुल मरीजों की संख्या हुई 13,000 के पार, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर में संख्या सबसे अधिक। प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किया घोषित, मुख्यमंत्री के आदेश पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जारी किए इसके आदेश। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अगर लोकसभा में गठबंधन नहीं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं। जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होने वाले कुंभ के लिए प्रदेश सरकार गंभीर, 2000 करोड़ की परियोजनाओं पर तेजी से किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला की सुरक्षा होगी तभी होगा उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास, समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है दलितों का उत्पीड़न। प्रयागराज में पुलिस से बचने के लिए गोकशी के मुकदमे में वांछित कुख्यात गो तस्कर, सपा ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर बुर्का पहनकर भी नहीं दे पाए पुलिस को चकमा, किए गए गिरफ्तार। आवास विकास परिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर रोड पर ला रही 2 नई आवासीय योजनाएं, विभाग इन पर खर्च करेगा 20,000 करोड़ रुपए। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की आज भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना, मंदिरों से लेकर पंडालों तक में भक्तों की भीड़, मां के जयकारों से गूंज रहा है वातावरण।